सो हे गेमर्स, इट्स मी अभी एंड वेलकम बैक टू कल्चर गेमिंग। तो भाई लोग यार कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग जो है बढ़िया होंगे। लेकिन भाई लोग सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंदर है गिव अवे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड इसके बीच में आपको बताने वाला हूं कि गिव अवे में क्या करना है आपको, ठीक है? जर्सी का मैं गिव अवे करने वाला हूं। तो भाई लोग यार जैसा कि मैंने उस वीडियो में गिव अवे किया था, बंदे को बता भी दिया था, लेकिन अभी तक बंदे का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, ना तो उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो जर्सी का गिव अवे वापस से करने वाला हूं, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड आज हम लोग जो है कुछ जो है मेरे पास जो है बंडल पड़े हुए उनको खोलने वाले हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो बंडल है कैरेट्स है, एंड इन सबको खोलने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्कार है वो भी निकालने वाले हैं। क्या अपने को जो स्कार निकल पाएगी? मेरे पास 30 डब्बे स्कार के, देखते हैं क्या निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। तो यार जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सबसे पहले जाके लाइक कर दो, चैनल पे नया है तो यार क्या कर रहे हो, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो एंड बाजू वाला बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। तो चलो यार आज की वीडियो को बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो भाई लोग यार सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर गिव अवे किस तरीके से जीतना है। सबसे पहले जाना है आपको यहाँ पर कमेंट करना है, जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा इस वीडियो के अंदर उसको मिलने वाला है गिव अवे। भाई कुछ भी कमेंट करो, कैसा भी कमेंट करो, मैं रिप्लाई देने वाला हूँ जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा, ठीक है? उसको मैं रिप्लाई दूंगा। एंड जाओ फटाफट से जाके कमेंट करो, ठीक है? तो उसको ही गिव अवे इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, ठीक है? तो चलो सबसे पहले आप चलो डब्बे खोल लेते हैं यार क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहले तो अपन जाते हैं यहाँ पर कैरेट्स के अंदर, एंड ये फालतू की जो पड़ी हुई है इनको खोल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो इनको सारी मतलब यार मैक्सिमम कर देते हैं मैक्सिमम, ठीक है? तो इसको खोल लेते हैं। एंड ये तो फोकट ही पड़ी थी मेरे पास इतनी सारी, एंड इनको भी खोल लेते हैं, 5 की 5 भी खोल लेते हैं, ठीक है? तो ये कुछ मिला है। एंड भाई अब देखते हैं क्या हमको मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट जो है मिल पाएंगे, मैजिक क्यूब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो एक एक करके खोलते हैं। चलो डायमंड रॉयल मिल चुका है, इसमें भी डायमंड रॉयल, एंड इसमें ओ भाई साहब कुछ तो मिला है भाई, ओपी ओपी क्या मिला भाई, ये तो कुछ क्या ही चूतिया चीज़ मिल गई भाई, मतलब ओपी टट्टी भाई, कुछ भी मिल गया यार। तो चलो अब कुछ नहीं तो यहाँ पर चलते हैं कैरेट्स में। एंड कैरेट्स में आप देख सकते हो 25 कैरेट पड़े हुए हैं। एंड अब जो है अपन थोड़े बंडल खोलेंगे। एंड मेरे पास जो 2 एयरड्रॉप पड़े हैं उसके अंदर एक है यहाँ पर ये स्कार, इसको अपन खोलने वाले हैं। एंड साथ ही साथ सारे जो है बंडल अपन खोलने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये वाला बंडल खोलेंगे, तो भाई देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ओपी है, ठीक है? तो ये अपने को खुल चुका है। एंड भाई ये तो मेरे पास 4 पड़े हुए हैं, इनको भी खोलते हैं, लेकिन उसके पहले इलाइट पास वाले खोल लेते हैं। तो ये लाइट पास वाला अब खोल लिया मैंने बंडल, अब ये गर्ल वाला फीमेल वाला खोल लेते हैं, और ये कुछ मिला है मुझे साथ में। एंड अब ये खोलते हैं भाई, मतलब कि यार ये 3 खोलूँगा तो मुझे कुछ नहीं, ये टोकन ही मिलने वाले, ठीक है? तो ये और खोल लेते हैं अपन। एंड भाई कितने सारे टोकन मिल गए, ठीक है? अब ये खोल लेते हैं भाई, ये सबसे रेयर बंडल लगा है अभी तक मुझे, क्योंकि यार मुझे नहीं मिलने वाला था लेकिन फिर भी लास्ट चांस में मिल गया। एंड ये गोल्ड रॉयल है अपना, इसको भी खोल लेते हैं, ये मैंने नहीं खोला था। एंड ये फीमेल गोल्ड रॉयल भाई बहुत दिन से रखा हुआ था मेरे पास, इसको भी खोल लेते हैं। एंड साथ ही साथ अब जो है मेन चीज़ अपन खोलने वाले हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो मेरे को मिल चुके 300 डायमंड, इसमें मुझे मिल चुका है यहाँ पर बंडल, एंड साथ ही साथ 300 डायमंड मिल चुके हैं। एंड बहुत ही मतलब कि बहुत पुराना बंडल है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी है, ओ भाई ओपी यार बहुत ही ज़्यादा। एंड अब जो है अपन खोलने वाले हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो भाई सबसे पहले तो मून फार्म हाउस खोलते हैं जो कि अपने पास है, एंड टोकन मिलने वाला ना, टोकन नहीं भाई, ये तो कुछ और ही मिल गया भाई, गन मिल गई यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर इस गन की एबिलिटी मुझे मालूम नहीं है। एंड भाई MP40 खोलते हैं, ठीक है? एक एक करके खोलते हैं, अब चारों खोल देते हैं भाई, चारों यार चारों। तो यहाँ पर ये तीनों खोल देते हैं भाई, कुछ भी नहीं मिला भाई, चूतिया काट दिया, ठीक है? इसको भी 5 खोल देते हैं भाई, कुछ भी नहीं मिला भाई, अपनी किस्मत ही ख़राब चल रही है। एंड अब जो है अपन स्कार खोलेंगे, तो सबसे पहले 1 कैरेट 24 आवर्स, ठीक है? अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा जो है 5 कैरेट खोलेंगे, ठीक है भाई? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला भाई इसमें भी, ठीक है? अब जो है थोड़ी सी 4 कैरेट अपन खोलेंगे, उसके बाद अपने पास बचेगी 20 कैरेट्स। तो देखते हैं और कितने दिन के लिए खुल पाती है, क्या अपने को परमानेंट खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर फिर से 5 कैरेट भाई, खुल जा यार, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा भाई, खुल जा यार खुल जा भाई, चूतिया काट रहे भाई ये तो। तो 3 कैरेट खोलते हैं, क्या हमको मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, अरे भाई काहे चूतिया काट रहे हो भाई, खुल जाओ यार। चलो 1 कैरेट, अरे भाई खुल जाओ यार। 2 कैरेट खोलते हैं, अबे भाई 3 कैरेट ही बची भाई, खुल जा, अरे खुल जा, अरे भाई खुल, अरे नहीं खुली यार। सारे मिलके हमको पागल बना रहे यार, परमानेंट ही नहीं खुली। एंड अभी देखते हैं अपने पास बहुत सारे टोकन हो चुके हैं,
एंड अभी अपन चलते हैं, इन टोकन को जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, नहीं एक्सचेंज नहीं करते हैं, सबसे पहले स्कार देखते हैं कितने दिनों के लिए खुली है अपने के लिए। तो यहाँ पर परमानेंट तो नहीं खुली, लेकिन भाई 2 महीने के लिए अपने पास स्कार है, एंड 2 महीने अभी इस कार से अपन जो है मजे करने वाले। ठीक है, देखते हैं यार, मतलब चूतिया काट दिया गेरेना ने। तो भाई लोग यार, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, एंड यार चैनल पर नया आता और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड सबसे पहले जिसने कमेंट किया है उसको कल जो है गिव अवे मिल जाएगा, एंड उसे जर्सी दे दी जाएगी। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। सो टेक केयर एंड बाय बाय।